हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम ब्लॉग। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा डिस्टेंस विजन चार्ट का, जो कि हम 6 मीटर डिस्टेंस या 18 फीट की डिस्टेंस से हम बैठ के देखते हैं। तो ये जो निकट दृष्टि दोस्त होता है, या जाने जो दूर की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, उसका जो टेस्ट होता है आर्मी में या कहीं भी मेडिकल जो टेस्ट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है डिस्टेंस विज़न चार्ट के बारे में। तो ये मैंने परचेज़ किया है, आपको इसका बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर होलसेल में भी लेना है तो उसका भी जो पूरा पता है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे चार्ट किस तरीके से मिला है। तो ये मैंने टोटल 3 चार्ट परचेज़ किए हैं, एक हिंदी में है जो आपके सामने हैं, ठीक है, और पीसी से भी वाइट है। और जो दूसरा जो चार्ट है वो लिया है न्यूमेरिकल, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके का चार्ट, ये आप देख सकते हैं। और जो तीसरा चार्ट है वो है इंग्लिश में, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 60। तो ये इस तरीके से नंबर हैं जो आपको, जैसे आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि आपकी जो आय 6x6 होनी चाहिए, तो ये 6 नंबर है सबसे नीचे का जो अक्षर है, सबसे छोटे छोटे, वो आपको 6 मीटर की दूरी से देखना है, ठीक है, 18 फीट जिसे कहते हैं। और पूरा लेमिनेटेड है ये जो मुझे चार्ट मिला है, ये पूरा लेमिनेटेड है, उसके ऊपर इन्होंने प्लास्टिक की पॉलीथीन लगाई की है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये हमें दिया है। पर जो चार्ट है ये मैंने 3 तरह के लिए हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके से ये है, एकदम अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। तो ये क्वालिटी सुपर्ब है, पर इसके साथ मैं पहले 5 चार्ट मंगा रहा था, पर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 3 चार्ट ही लेने हैं। तो अभी इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से अब और मेज़र कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 14 सेंटीमीटर और है। तो टोटल इस चार्ट की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी है चार्ट की लंबाई, और जो इसकी विड्थ है वो लगभग 18 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है चार्ट की। तो ये लगभग 14.5 है, यानी 44.5 सेंटीमीटर का है। आप इसे 45 सेंटीमीटर की लंबाई भी चार्ट की मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मुझे मिला है। और इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी आप अगर लेना चाहते हैं इस तरीके से, आप घर बैठे अपनी आई विज़न को बढ़ाना चाहते हैं, और कौन सी जैसे आपके भी चश्मा लगा हुआ है और आप डर रहे हैं कि किस तरीके से हमें लेना है, तो चार्ट हमें क्या होगा हमारे साथ मेडिकल में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके मैं बहुत सारे वीडियो ला रहा हूं, जैसे दवाई कौन सी लेनी है वो सब। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जी चार्ट है अल्फाबेटिक, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर, 6x6 का 6x9, यानी 6x6 का मतलब होता है 6 मीटर डिस्टेंस बाय 6, यानी 6 का ये जो चार्ट होता है सबसे दूरी, सबसे छोटा वाला। तो सबसे जो बेटर आई होती है वो 6x6 की होती है, उसके बाद 6x9 और 6x12। तो आपको जब भी एग्ज़ाम में आपके जो आई चेक करेंगे, तो एक आई आपकी 6x6 या 6x9 की होनी चाहिए, और दूसरी आपकी 6x12 तक की होनी चाहिए, मतलब वर्स्ट जिसको कहते हैं ना, सबसे बुरा दिखना चाहिए, तो वो भी 6x12 का होना चाहिए। तो जो भी चश्मा लगाते हैं उनके बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, पर वो योग्य है फिर भी वो सिलेक्शन नहीं पास सकते हैं। तो ये थोड़ा गलत है, मुझे यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी आई को सुधारना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आई सही हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेज़रमेंट, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो अलग अलग मेज़रमेंट है, यानी 6x6 की जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, और 6x9 है उसकी जो लंबाई है, जो भी वर्ड होता है उसकी 1.5 सेंटीमीटर है, और जो 6x12 है उसकी जो लंबाई है वर्ड्स की, वो 2 सेंटीमीटर के करीब होती है, ठीक है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये लगभग आपको 9 सेंटीमीटर के करीब मिलेगा 6x60 का। तो इस तरह से चार्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।